दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। धर्म प्रचार संघ एवं न्यू कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से न्यू कैलाश नगर में शुरू हुई 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा में पधारी साध्वी प्रियंका बाबा ने उपस्थित प्रभु भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर पार्षद भगवंत प्रभाकर, किशनलाल सैनी, विजय बत्रा, आशीष सहगल, वैभव शर्मा, सुनील सैनी, वरिंदर मोहन, विनोद घई, सुशील चंद्र वर्मा, ललित मोहन खन्ना, पुनीत चड्डा सहित इलाका निवासी भी मौजूद थे। गर्भ अवस्था धारण करती है, क्या सुनती है, क्या सुनाती है, क्या खाती है, इसका सारा प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ता है। फिर जैसा भी बच्चे का नाम होता है वैसा उसका स्वभाव भी जरूर होता है। जिस स्थान पर वो रहता है या वहां पर आस पास के मंदिर का घंटा बजता है, घर में आरती होती है, इसका प्रभाव भी बच्चे पर जरूर पड़ता है। और चौथा है खान पान का प्रभाव। हर बालक पर, हर इंसान पर 4 प्रभाव अवश्य होते हैं। और धुंधकारी में अगर कोई प्रभाव था तो वो सबसे पहले नाम का ही पड़ रहा था। गर्भ का प्रभाव तो था ही नहीं, क्योंकि जन्म तो धुंधली ने दिया ही नहीं। अभारी नाम किया ही तो नाम भी स्वार्थी रख दिया, धुंधकारी। दोनों बालक घर में बड़े होने लगे। एक शास्त्रों का ज्ञान ले रहा है और एक लोगों को मार रहा है, बच्चों को पीट रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है।